हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। आई ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जो जीवन दान देते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो सांसें देता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप जीवन दान देते हैं। हर एक खतरों से, मुसीबतों से जो बचाता है प्रभु, आप जो संभालते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं। हालेलुया, सभी लोग तारीफ करें। किसी भी बात की चिंता ना मत करें और ना ही घबराएं। हालेलुया, क्या आज आप अपने जीवन में चिंतित हैं? क्या आज आप अपने जीवन में अपने परिवार के किसी की सदस्य को लेकर क्या आप चिंतित हैं? हालेलुया, हो सकता है आप में से कहीं सोच रहे होंगे कि क्या मेरे घर में क्या ये उद्धार पाएगा, कि ये विश्वास में आएगा, क्या परमेश्वर से बचाएगा। आपकी परिस्थिति आज कैसी भी क्यों ना हो, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया, कि प्रभु के लिए कोई बात भी असंभव नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि पता नहीं है कैसे होगा, पता नहीं मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, हो सकता है आप चिंतित थे इस बातों को लेके, अपने फाइनेंशियल को लेके। कई तो ऐसे हैं जो आज निराशाजनक स्थिति में है। हालेलुया, आप डर रहे होंगे, आप घबरा रहे होंगे। कई लोग अपने मन में सुसाइड की बातें सोच रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है? हालेलुया, इसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। चिंता करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रभु कहता है कि चिंता मत कर, मत डर, प्रभु को तेरा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद यीशु, सचमुच में वो सब कुछ, एवरीथिंग। आपको कोई डर लग रहा है, कोई घबरा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकता उसे परमेश्वर कर सकता है। प्रभु के हर एक बात संभव है। इसलिए चिंता ना हो, इसलिए डरे मत, इसलिए घबराए मत। प्रभु आपको देख रहा है, आपको आपकी चिंता करता है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारा बोझ परमेश्वर पे डाल दो। किसी भी बात की चिंता ना करो, पर आपकी क्या होना चाहिए? किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। किसी भी बात की चिंता ना करें, किसी भी बात की। पर क्या करना है? प्रार्थना, विनती, निवेदन। हालेलुया, सब लोगों के जीवन में अलग अलग परेशानी, अलग अलग समस्या। कई अपने पति को लेकर परेशान है, कोई अपने बच्चे को लेकर परेशान है, कोई अपनी पत्नी को लेकर परेशान है, तो कई अपने परिवार में ऐसे लोगों के कारण परेशान है, बुरी आदतों के कारण कि अरे ये तो बुरी आदत करती है, तो ऐसा करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चिंता मत करो, लेकिन क्या करना है? विनती, प्रार्थना, निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नीति वचन में क्या लिखा है? 23:18 वचन में, अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया, विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को आप अपने जीवनों में देखोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, कई लोगों को लग रहा है
कि मेरा पति कैसे बदलेगा, मेरी पत्नी कैसे बदलेगी। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, आपके चाल चलन को देख के, कि आप परमेश्वर का स्वभाव जब आपके ऊपर आएगा तो उसको देख के लोग खींचे चले आएंगे, लोग भी बदलना शुरू हो जाएंगे, आपका परिवार बदलना शुरू हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस तीसरा अध्याय में पहला तीसरा वचन में क्या लिखा हुआ है, हालेलुया, हे पत्नी तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देख कर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया, ऊपर क्या लिखा, चाल चलन को देखकर खींचे चले आए। आपके स्वभाव में क्या होना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देना चाहिए, प्रभु का स्वभाव दिखाई देना चाहिए, तो वो बदलेगा और चमत्कार देखोगे। ऐसे पति भी और वैसे पत्नी भी, पति परमेश्वर के स्वभाव में है, पत्नी भी परमेश्वर के स्वभाव में है। प्रभु का धन्यवाद हो, लोग खींचे चले आएंगे, लोग क्या होंगे, उसके चाल चलन को देखकर बदलेंगे। आज हो सकता है बहुत बार बोलते हैं कि बदल जाए, ऐसे मत कर वैसे न कर, लेकिन कोई भी उसका क्या नहीं हो रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई मतलब नहीं हो रहा है। यदि अपनी निराश है तो आपकी निराशा जाने वाली है। हालेलुया, जब डर रहे तो घबराए मैं, प्रभु के जिनमें सब कुछ उपाय करके देगा। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर के परिवार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, लेकिन आप विश्वास करोगे तो। आज आपके जीवन में विश्वास की कमी है और वो यही नहीं होनी चाहिए। विश्वास से बने रहना, परमेश्वर के लगातार खोजी हूँ, प्रभु के पीछे चलते रहूं, अपने चाल चलन में, अपने उठना बैठना फिरना कुछ भी हो, परमेश्वर को खोजे और सिर्फ आपके जीवन से प्रभु के नाम की महिमा हो। और ऐसा होगा सचमुच में, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपके परिवार अपने आप बदलना शुरू होंगे। हालेलुया, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा अपने आप, क्योंकि जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर बसेगा, जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या लेकर आएगा, जीवित रह को फल लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन क्या होगा, आपके अंदर बसेगा और वो फल लेकर आएगा, वो जीवित रहेगा तो फल लेकर आएगा, क्योंकि वचन जीवित है और वो आपके अंदर कार्य करेगा, आपके जीवन में आपके चाल चलन से दिखाई देगा, आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर का वचन दिखाई देगा। उठना बैठना चलना फिरना आपके जीवन से परमेश्वर दिखाई देगा, तो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। हालेलुया, लोग खींचे चले आएंगे, लोग सोचेंगे ये कौन व्यक्ति, तो अलग सा व्यक्ति दिखाई देता है। ये तो हैरानगी की बात है कि ये इंसान कभी बदल नहीं सकता, तो ये बदल गया। हालेलुया, लोग अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगे आपको देख के, आपके चाल चलन को पवित्रता ही में। हालेलुया, इसलिए क्या करना है, प्रभु को आपकी चिंता है, आपको क्या करना है, चिंता मत कर, उदास मत हो किसी को लेके, लेकिन आपको क्या करना है, प्रार्थना और धन्यवाद निवेदन, प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और ऐसा करोगे आप अपने जीवन में फल देखोगे, प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और सब कुछ वह बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन में चिंताओं को जगह न दे। हालेलुया, जब हम चिंता करते हैं, जब आप चिंता करते हो, यदि आप उसके बारे में सोचते रहते हो, सोच ठीक है चिंता करते हो एक लाइट, लेकिन जब आप उसके बारे में बार 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 सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, फिर क्या होता है, वह चिंता को कैप्चर करना शुरू कर देती है। हालेलुया, क्या करना शुरू कर देती है, वो कैप्चर आपका शरीर में, फिर कुछ ना कुछ गिरावट आती है, किसी को बीपी बढ़ जाता है, किसी का शुगर बढ़ जाता है, कभी हार्ट पे प्रॉब्लम। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, किसी भी बात की, पढ़ लो इस वचन को, फिलिप्पियों की किताब में चौथा अध्याय उसका छठवां वचन में, फिलिप्पियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 6, रीड फर्स्ट हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। डू नॉट बी anxious about anything, but in every situation, by prayer and by petition, with thanksgiving, present your request to God. धन्यवाद यीशु, do not be anxious, मतलब चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने ये नहीं, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो लेकिन प्रार्थना करो। प्रभु कह रहा है चिंता मत करो, तो उसके साथ आपको आंसर भी आ रहा है कि प्रार्थना करो। परमेश्वर क्या कहते हैं कि अपने प्राण की चिंता मत करो, कि क्या हम खाएंगे, क्या पियेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे करेंगे। प्रभु कहता है मत, क्या ना करो, चिंता ना करो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। देखो ये बाइबल में लिखी है कि चिंता मत करो, और ये प्रभु की ओर से नहीं है। जब आप चिंता करते हो, आपका शरीर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, निगेटिव थिंकिंग, अलग अलग बातें आती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चिंता मत करो लेकिन प्रार्थना करो। प्रभु चाहता है कि आप अपना जीवन का हर एक स्टेप आप आनंद भरपूरी के साथ जीवन जी, खुशी के साथ, आनंद के साथ। लेकिन आज आप दर्दों में, परेशानी में है,
लेकिन प्रभु आपको उन सभी चीजों से निकालेगा। हालेलुया। आप चिंताओं को अपने पर हावी ना होने दें, किसी समस्याओं को अपने पर हावी ना होने दें, स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर के लोग हो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता, आपको क्लेम करना, वचन से प्रार्थना करना कि मैं ना डरूंगा, कोई परेशानी कोई समस्या मेरे क्या कर सकती, मैं तो प्रभु का हूँ और वो मुझे यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी रास्ता निकाल कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें पूर्ण रीति से, पर चिंता ना करें। हालेलुया। प्रभु जानता है आपको, आपके दुखों को दूर करेगा। आपको काम करना है, प्रार्थना करना है, रोजाना प्रार्थना करना है, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी मदद करेगा। 100% आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, हर एक बंधन टूटेंगे आपके जीवन से, आपके परिवार से। हालेलुया। लेकिन आज कई लोग प्रेयर करते हैं तो उसमें एक तरफ व्यभिचार, एक तरफ प्रार्थना, और कहते हैं प्रभु सुनता नहीं। एक तरफ बेमानी चल रही है और एक तरफ प्रार्थना चल रही है। कैसे पहुंचेगी प्रार्थना? हालेलुया। एक तरफ एक मुंह से तो गाली देते हो और एक मुंह से प्रार्थना, कैसे प्रार्थना सुने? हालेलुया। एक तरफ व्यभिचार कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, मोबाइल में गलत चीज देख रहे हो, गलत कामों को कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, और प्रार्थना कर रहे हो, कहते हो कि प्रभु मेरी सुन, और फिर बाद में बदनाम करते प्रभु को कि प्रभु क्यों नहीं करता। हालेलुया। इस वजह से भी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया। अब यहाँ तो लिख दिया गया कि चिंता मत कर, प्रार्थना कर। अब प्रार्थना में भी कंडीशन है कि तू क्या कर, अब मन फिरा, प्रभु के पास लौटा पूर्ण रीति से और प्रार्थना कर, देख मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा, प्रभु कहता है। धन्यवाद यीशु। हर एक गलत काम आपके जीवन से निकल जाए, बाहर चले जाए, आपके शरीर में ना रहे, बल्कि परमेश्वर जीवित रहे, परमेश्वर का वचन जीवित रहे। आप चाहते हैं आपके जीवन में, परिवार में कोई समस्या ना है, तो प्रभु का वचन आपके हृदय में जीवित रहना चाहिए। जीवित कैसे रहेगा वचन? जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, उस वचन को अपने जीवन में लागू करोगे, फॉलो करोगे, वो वचन जीवित रहे। अब वचन जीवित है तब मतलब परमेश्वर आपके अंदर है, तो कोई दुष्ट कोई अंधकार आपको टच भी नहीं कर सकती। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट करके बताएं, ताकि मैं समझ सकूं। हालेलुया कि आपको समझ में आ रहा है। प्रभु की स्तुति हो। देखो आपके आप हर एक जन आप प्रभु के लिए वेरी प्रीशियस है, अनमोल है, और प्रभु आपको क्या नहीं करना, नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। हालेलुया। इससे प्रार्थना में जाओ, गलत कामों को छोड़ दो, मन फिराओ, प्रभु के पास लौटो। आप देखोगे उसके बाद अपने जीवन में अद्भुत कामों को, मिरेकल को देखने वाले हो। आमीन। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, प्रभु में सदानंदित रहे, चिंता ना करो पर प्रार्थना करो। लेकिन प्रार्थना में कैसी होनी चाहिए? हालेलुया। विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाए। हालेलुया। इससे प्रार्थना करने से प्रभु की स्तुति करे, अपने मन फिराए, प्रभु के पास लौटे, अपने जीवन को समर्पण करे। कुछ मांग रहे प्रभु देगा, लेकिन आपकी प्रार्थना निष्कपट होना चाहिए। कपट नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपकी प्रार्थना निस्वार्थ होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर जल्द उसका रिजल्ट मिलता है जो निस्वार्थ से की गई हो। उस प्रार्थना का रिजल्ट जल्दी उत्तर मिलता है जिस प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी, प्रभु की इच्छा हो, वो प्रार्थना का रिजल्ट जल्द मिलेगा। हालेलुया। उस प्रार्थना में कोई स्वार्थ ना हो आपका, कुछ भी नहीं। हन्ना की प्रार्थना क्यों सुनी गई? क्योंकि वह निस्वार्थ से प्रेयर कर रही थी, प्रभु ये बेटा तेरा है, मैं दे देती हूँ, प्रभु की महिमा। और ऐसा ही हम क्या देखते हैं, अद्भुत काम हुआ, मिरेकल हुआ। परमेश्वर को क्या चाहिए था? शमूएल। हन्ना को बेटा चाहिए था, मिल गया, लेकिन सबसे पहला फल परमेश्वर को दिया, पहला बेटा। और देखो उसका रिजल्ट, और भी बच्चों के साथ परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, आशीष दिया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। इसलिए चिंता ना करो, बल्कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। चिंता ना करो, प्रभु आपके साथ है। धन्यवाद यीशु। आइए अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद कर, सहायता कर, एक चिंताओं वाली मन आत्मा डिस्टर्बेंस की स्पिरिट जो कार्य करते इनके जीवन से जाए। प्रभु मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अनुग्रहकारी विलंब से कुप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तब परमेश्वर की मदद करेगा। हालेलुया। चिंता ना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। किसी भी बात से डरे मत, घबराए मत। हालेलुया। चिंता ना करें, अपना जीवन प्रभु के आगे समर्पण कर, प्रभु पे भरोसा रखें पूर्ण मन के साथ। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर हमारी आशा को आपको मजबूत करेगा, आपको क्या करेगा, स्ट्रांग बनाएगा, परमेश्वर को संभालेगा, खतरों से बचाएगा, परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर हृदय में जीवित रहे और आपको संभालेगा। आपको लग रहा कि ऐसा ये कुछ भी नहीं हो सकता, यह असंभव लग रहा है, लेकिन प्रभु आपके जीवन में वो बातों को भी संभव बनाएगा। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है पहला पत्रस में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु नहीं चाहता कि अपने सर पे बोझ लेके घूमे, लेकिन प्रभु चाहता कि अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो। हालेलुया, प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको क्या करेगा, समस्याओं को दूर करेगा। यदि आप परमेश्वर को अपनी सारी समस्या सबको डाल देते हो, प्रभु शांति देगा। हालेलुया, जो हमारी समझ से परे ऐसी शांति आपके अंदर आएगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, शांति दो, अनुग्रह दे, ब्लेस करो। आपके हाथों में समर्पित करते हैं अनुग्रह कार्य विलंब से कुप करने में अतिक्रमण। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हर एक चिंताओं से आजाद हो जाए, हाले हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए, प्रभु मदद करो, सहायता करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। की जिन चिंताओं को दूर कर, हर एक परेशानियों और समस्याओं को दूर कर, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम, हालेलुया। रब भगत रब शांत रब भगत, अपने आप को सरेंडर कर, अपने जीवन को सरेंडर करें। अनुग्रह कार्य विनम से कृपा करें, मैं ते करना मेरा बंधन टूट जब के जीवन से परिवार से जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। त्याग करते यीशु के सामर्थ्य में, सभी प्रार्थना करें, सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे। प्रभु नहीं चाहता कि आप बोझ लेकर घूमे, सब चिंता परमेश्वर पर डाल दे, वही आपके जीवन सब कुछ ठीक करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जी परमेश्वर, आपके जीवन से चिंताओं को दूर करेगा, डरे मत, घबरा मत। मैं प्रार्थना करते रहे एक जन से, हर एक सुसाइडल स्पिरिट के आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक सुसाइड करने वाली आत्मा जाए, हर एक निराशापन की आत्मा से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य रे बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करते को जीवन आनंद में होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना, प्रभु नहीं चाहता क्या जीवन नाश हो, अपना जीवन प्रभु के आगे सरेंडर करें। हर एक स्पिरिट है दुष्टात्मा आपके जीवन से, परिवार से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करते रहे बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक भय की आत्मा जाए, हर एक चिंताएं वाली बात, हर एक गलत बात आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। यदि बीमार, यदि समस्या तो प्रभु पर भरोसा रखे, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। सभी बोले इसी वक्त राइट नाउ कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, मैं चंगी हो चुकी हूँ। सभी कमेंट करके भी बोले कि यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका। यदि समस्या में तो बोलो कि प्रभु के लिए कोई कार्य संभव नहीं है, प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। सभी बोले प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, मैं परमेश्वर की संतान। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो मैं अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखूंगा, मैं देखूंगी। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त इनके जीवन से बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करते हर एक समस्या जाए, हर एक निराशापन में जो बैठे हैं इसी वक्त इनकी निराशा जाए। प्रभु अनुग्रह दे, ब्लेस कर हर एक इनका बोझ, जो बोझ के समान है, जो इनको लग रहा है कि मैं बोझ में दबाऊंगा, प्रभु इनके सारे बोझ को दूर कर इनका मन हल्का हो जाए। अपनी असीम कृपा शांति को उंडेल दीजिए, इनका मन पूर्ण शांति से भर जाए। यदि कोई दुष्ट आत्मा तंग करती है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमारी जाए, हर एक समस्या जाए, सर से लेकर पांव तक डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा, कोई भी ऐसा अटैक के नीचे यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक स्पिरिट जाए, हर एक सैटेनिक स्पिरिट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर एक डर भय के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी आदतों से आजाद हो जाए, हर एक गलत आदतों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो शैतान आपको गलत काम कराने के लिए फोर्स कर रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते हर एक पाप से आजाद हो जाए, गलत बातों को करने से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। छुटकारा दे, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो दर्द में है, बीमारियों में जकड़े हुए दर्दों में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में पेन खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती शुगर बीपी के प्रॉब्लम जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक हड्डी की रोग और समस्या, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम जाए। इसी वक्त यदि आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपकी किडनी चंगी हो जाए, आपकी हार्ट चंगी हो जाए, आपका पेट दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी पीठ की रोग और समस्या जाए, हड्डी की रोग और समस्या जाए, आपका गलत दर्द से आजाद हो, चंगे हो जाए। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, स्किन के डिसीज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की महामारी से आजाद हो जाए। इसी वक्त हर एक महामारी आपके जीवन से, आपके परिवार को छोड़ छोड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती जो कोरोना पॉजिटिव है, हील एंड डिलीवर, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर के सामर्थ्य जो कोरोना में जगड़े ईश्वर के सामर्थ्य में जादू जड़ गवाई के साथ वापस आए। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है। हो लॉर्ड जीसस स्तुति हूँ। हर एक डिप्रेशन जाए, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम जाए, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे रजाद हो जाए। जिनके गले में दर्द हो रहा है ईश्वर के सामर्थ्य जो खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, निगल नहीं पाते, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द मैटेरियल ऑफ जीसस। आपके गले का दर्द गेट आउट ईश्वर के सामर्थ्य। हर एक टॉन्सिल है चंगे हो जाए। जिनको सर्दी खांसी बुखार है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जिनके कानों में दर्द है, आंखों में दर्द है, कुछ भी है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपके दांतों का दर्द छाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी एड़ी का दर्द जाए, आपके पैर के सोल का दर्द जाए, आपके घुटने का दर्द, आपके शोल्डर का दर्द, आपके एल्बो का दर्द, आपके फिंगर में दर्द, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका रिस्ट चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए। आय कमान यीशु के सामर्थ्य नाम में टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए। हर एक अर्थराइटिस कोई भी रोग है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक लाइलाज बीमारी जाए। मैं प्रार्थना करती कैंसर के रोग यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी समस्या जाए। हालेलुया। पेट का दर्द जाए, कुछ भी ये नस में प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपका ब्लड चंगा हो जाए। आपका ब्लड यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती पूर्ण रीति से आरोग्य बना, शक्ति प्रदान कर, कमजोरी को दूर कर। जिनको फिट्स पड़ते हैं, जिनको चक्कर आते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, कमजोरी एक चक्कर यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। छुटकारे के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूं परिवार आशीष होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु से प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती इसी वक्त प्रार्थना करती हूं। जिनको बुरी बुरी आदतें हैं, जिनको गलत चीजें दिखाई देती है, जिनको शैतान तंग करता है, हालेलुया रब का तिरा बशंत रब का तिरा। हर एक बुरी आदत, हर नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, हर एक नशा करने वाली आत्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती बुरी आदतों से, नेगेटिव नकारात्मक बातें से, हर एक गलत बातें से जात हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रब का तिरा बशंत रब का तिरा मानी रब के तिरा रब का तिरा रब का तिरा। मैं प्रार्थना करती बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर दो, दया कर दो। ओ रब का तिरा रब का तिरा बशंत रब का तिरा मानी रब का तिरा रब का तिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, सहायता कर। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हालेलुया। छुटकारा दे प्रभु, चंगा कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं इसी वक्त हर परेशानी जाए, हर एक समस्या जाए, हर एक सुसाइडल स्पिरिट, हर एक निराशापन की आत्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। बोलो मैं परमेश्वर का हूं। कोई भी हानि, कोई भी चीज आपके परिवार में प्रबल न होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूं कर्ज से आजाद हो जाए, वो बंधन टूट जाए, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, आपकी आर्थिक समस्या जाए। प्रभु मदद कर। प्रभु सब कुछ कर सकता है। आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है। आपकी बिजनेस को ब्लेस करते, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करते, आपके कामकाज को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हो। पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता कर। आपके रुके पैसे को रिलीज करते, आपका कामकाज को ब्लेस करते, आपके डॉक्यूमेंट पेपर, आपका वीजा का पेपर को ब्लेस करती हूँ। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपको ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। बच्चों के शुक्र नमस्कार करती हूँ। हालेलुया। छुटकारा दिया, चंगा कर दिया, उठाकर खड़ा किया, धन्यवाद करती। जो हॉस्पिटल एडमिट है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे और आजाद हो जाओ। हर एक डॉक्टर नर्स को जंदर बाहर आना जाना करते कोई भी है यीशु के नाम में कवर करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस मदद कर, सहायता करके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना विनती निवेदन करने के प्रार्थना का आत्मा देना पिता परमेश्वर। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। जितने लोग जहां जहां से आज की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। चंगे रजात हो जाओ और टेस्टिमनी आप देखोगे अपने जीवन में। धन्यवाद यीशु। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को प्रभु सुने और आप चंगे चंगा हो चुके हैं। आपको परमेश्वर का आपका प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। मैं धन्यवाद करती विश्वास के साथ। धन्यवाद यीशु। जितने लोग गवाही दे रहे प्रभु जी उनको भी ब्लेस करती हूँ। हाले जिनके पास घर नहीं उनको घर के साथ ब्लेस करती हूँ। जिनके पास व्हीकल नहीं गाड़ी नहीं उनको गाड़ी के साथ ब्लेस करती हूँ। जिनके पास नौकरी काम काज उनको नौकरी के साथ ब्लेस करती हूँ, काम काज के साथ ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करते। आपका परिवार आशीष में बदल जाओ। उद्धार और सल्वेशन की घोषणा करते हैं। आपका पूरा का पूरा परिवार पूर्ण रीति से उद्धार में प्रभु के पीछे चलने वालों को बदल जाए। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु अनुग्रह दे, अपने लायक बना, योग्य बना, तैयार कर प्रभु पिता परमेश्वर, निर्दोष निष्कलंक बना प्रभु। आपका धन्यवाद उसे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर, निर्दोष निष्कलंक, पाक पवित्र बना। हालेलुया। राज भी आपका बनने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के मेरे पिता से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता।
आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। अपने गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। अपने भेंट, अपने ऑफरिंग, अपने थैंक्सगिविंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सतानंदित रहें। अपने गवाही को जरूर शेयर करें। जो भाई हमें प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेजेंट कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु के पीछे पीछे चलते जाएं, प्रभु में सतानंदित रहें। और आज दोपहर को 12 बजे प्रार्थना स्टार्ट होगी, इस मीटिंग को अटेंड करें। हालेलुया। और चर्च के लिए प्रार्थना करें, चाहे भवन के लिए और टीम के लिए प्रेयर करें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मेरा विश्वास अब सभी प्रार्थना कर रहे हैं और अब सेम नहीं रहेंगे कि परिस्थिति बदल हो चुकी है। प्रभु के जीवन में सब कुछ ठीक करने जा अद्भुत कामों को देखोगे। आमीन। प्रभु में सदानंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।